देखिए हमारी गुड्डी तो नाश्ती नाश्ती अब लेकर चल रही है आपको मध्य प्रदेश के खूबसूरत हिस्टोरिक शहर मांडू में, जहाँ पहुँच गई हैं गुम है किसी के प्यार में की मिताली नाग। और ये तो एंजॉय कर रही हैं यहाँ पर मांडू फेस्टिवल, तो चलिए हम भी हो जाते हैं इनके साथ मांडू की सैर में शामिल। मिताली नाग खो गई है मांडू की खूबसूरती में, क्योंकि वो बनकर आई है मांडू फेस्टिवल 2023 की खास मेहमान। मांडू एक ऐतिहासिक शहर है जहां पर जहाज महल और हिंडोला महल में आज भी रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी गूंजती है। और गुम हो गई है मिताली यहां की खूबसूरत नजारों में, खोजते खोजते खो गई है, पर यही तो टैगलाइन है, खोजते खोजते आप खो जाएंगे। मिताली ले रही है मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर की खूबसूरती का आनंद, ढूंढ रही है इतिहास को, वैसे यहाँ के लोकल खाने का स्वाद भी चख रही है। और गुब्बारे में सुबह सुबह उड़कर मांडू को ऊपर से बिल्कुल चिड़िया की तरह देख रही है। जहाँ मांडू फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण होता है यहाँ की बलूनिंग एक्टिविटी, इस बड़े से गुब्बारे पर मिताली ने इस बलूनिंग का आनंद लिया। सुबह सुबह उठकर योगा किया और योगा साउंड थेरेपी से खुद को रिफ्रेश किया, यहाँ का लोकल खाना खाया, शॉपिंग की, अपने टेंट में कुछ फुर्सत के पल गुजारे और हो गई रिफ्रेश। जी हाँ, वही तो मांडू फेस्टिवल का उद्देश्य था, इस टेंट सिटी में वक्त गुजार कर आप यहाँ की एक्टिविटीज को एंजॉय कीजिए और खो जाइए मांडू में। अभिनेत्री मिताली नाग ने भी कुछ ऐसा ही किया, तो चलिए एक बार फिर से खो जाते हैं मांडू में मिताली के साथ। मिताली ने अपने दूसरे दिन की शुरुआत की सुबह सुबह उठकर इस ब्लू सलवार कमीज में। अब भाई आज वो मांडू घूमने वाली है, इसलिए बिल्कुल इंडियन अटायर में रानी रूपमती के अंदाज में निकली मांडू घूमने। आज हम मांडू के कुछ मॉन्यूमेंट्स देखेंगे, वहाँ के सीक्रेट्स पता करेंगे और उन सब जगह पे अच्छे अच्छे शूट करेंगे। Yay, I'm so looking forward to this day. New friend that I have made. And actually, I think a new friend that he's also with. Yes. That's Akshat. I'm Akshat. He's a Kapoor, by the way. And she's Mithali. And she's not a Kapoor, by the way. Oh, wow. Godess, I would say. But you all have been very kind to come and grace this entire event. Wouldn't have been possible without all you lovely people. So I think thank you so much for coming and gracing this and being a part of Mandu Festival. Thank you so much. So aaj hum bahut achhi achhi jagah pe jaane wale hain aur wahan ja ke aapko wahan kuch secrets batayenge, kuch stories batayenge aur kuch achhi achhi reels banayenge. वैसे मांडू पहुंचते ही सबसे पहले मिताली की नजर गई यहाँ के लोकल खाने में, जो है दाल बाफले। देखते हैं क्या है मांडू का लोकल खाना। एक्चुअली दाल बाटी जैसे होते हैं लेकिन ये बहुत बड़े साइज के, ये है क्या? ये आइए देखिए क्या है। मैम ये पानिया है, मांडू और मालवा का स्पेशल फूड दाल बाफला और दाल पानिया, जो मक्के के आटे का बनता है और इसको दाल में मिक्स करके बनता है। हाँ जी, दाल इसके लिए स्पेशल खट्टा मीठा दाल बनता है। ओ, खट्टी मीठी दाल, आज के लंच का इंतजाम हो गया। वाओ, ये देखो इसको ना चूल्हे पे, या एक्चुअली ये रोस्ट किया गया है, तंदूर जैसा है, इसे रोस्ट किया गया है। इस पे जो पत्ता होता है ना, वो पत्ता जो पूरा जल जाता है, मतलब ये पक गया है। अब चलते हैं मांडू के मोस्ट विजिटेड जगह में, जिसका नाम है जहाज महल, मिताली का पहला डेस्टिनेशन। और देखिए गेट पर ही उन्होंने एक खूबसूरत सी रील अपने लिए बना डाली। यहाँ पे वैसे तो
बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है सुबह, मॉर्निंग योगा होता है यहाँ पे, वो आज हम नहीं कर पाए। ब्यूटीफुल दिखाई इतनी सारी स्टोरीज़ है, कितनी सुंदर जगह है, और सब जगहों पे जो लोग रहे हैं उन लोग ने हमारे देश की हिस्ट्री बनाई है। अब अंदर दाखिल होते हैं जहाज महल में। यहाँ की खूबसूरती ने कैसे मिताली का दिल खींच लिया और वो गुम हो गई किसी के प्यार में। रानी रूपमती और बास बहादुर की प्रेम कहानी मुझसे यहाँ आकर खो गए थे, जैसे कि शायद मैं भी खो रही हूँ। वैसे जहाज महल का नाम जहाज क्यों पड़ा ये मिताली को यहाँ पर आके ही पता चला। तो आपको सबसे पहले तो रीजन बताती हूँ कि इस जगह को जहाज महल क्यों बोला जाता है। आई थिंक कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीव, क्योंकि ये जहाज के क्षेत्र में है, इस जगह को जहाज महल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जहांगीर जब वो यहाँ आए थे तब उन्होंने देखा कि ये जगह पानी से सराउंडेड है, इसीलिए उन्होंने इस जगह रखा जहाज महल। और आपको एक और बात बताऊँ, बास बहादुर और रूपमती वो जब यहाँ आए थे उन दोनों ने इस जगह को रहने के लिए सिलेक्ट किया, इस जगह को अपनी प्रेम कहानी जीने के लिए सिलेक्ट किया। Isn't it amazing? Wow, I can't wait to know more about this place. चलो चलो जल्दी चलो। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ना ये देख के कि ये इतनी सुंदर जगह हिंदी फिल्मों में अभी तक यूज़ की हुई, तो गाइज लेट मी टेल यू कि यस, ये जगह हिंदी फिल्मों में यूज़ हुई है। चलिए आगे आपको दिखाते हैं नज़ारे आगे, और ये भी बताएंगे कि कौन सी हिंदी फिल्म में ये जगह यूज हुई है। अब जरा सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं इस जहाज महल पर, जहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं हैं, धरती और नदिया के बीच में बना हुआ ये महल ऊपर से बड़ा ही खूबसूरत लगता है। थक तो गई हूँ, बढ़िया वाला काड़ी हो रहा है यहाँ पे। छत पे स्विमिंग पूल है, वाओ, मतलब ये जमाने में भी रूफटॉप स्विमिंग पूल हुआ करता था। आई थिंक दिस वाज़ द वन ऑफ द फर्स्ट, राइट? आजकल तो बड़े ट्रेंड में रूफटॉप स्विमिंग पूल्स, और ये इसी पे चल रहा है। हमारे यहाँ के राजा महाराजा रानियाँ रूफटॉप पूल में स्विमिंग करती थी, और यहाँ नेचुरल एसी की हवा खाया करती थी। वैसे जहाज महल एक जमाने में रानी रूपमती और बाज बहादुर का महल हुआ करता था, जहाँ पर कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे। वैसे मिताली को यहाँ पर भाया यहाँ का मेन अट्रैक्शन, जो है एक रूफ टॉप स्विमिंग पूल, ओपन एयर स्टेज, जहाँ पे कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे बारिशों के टाइम। एक और स्टेज वहाँ बना हुआ, वो देखिए वो स्टेज है, बीच में आइलैंड स्टेज एक्चुअली, और यहाँ पे सुल्तान महल कॉन्सर्ट एंजॉय किया करते थे, और जब बारिश की वजह से वो लिंक फुल हो जाता था और स्टेज अंदर डूब जाता था तब सुल्तान करते। इतने सारे किस्से, कितनी सारी अद्भुत जगह है जो मैं यहाँ मांडू में आके डिस्कवर कर रही हूँ। मुझे तो सीरियसली नहीं पता था कि मध्य प्रदेश की धरती पे मांडू जैसा इतना बड़ा जेम है। मैं बोल रही हूँ गाइस, आप लोगों को मांडू आना ही आना है, क्योंकि आप अपनी कंट्री के बारे में, अपने कल्चर के बारे में इतनी अच्छी सारी चीज़ें यहाँ से जानेंगे, इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस लेकर जाएंगे। अब देखिए कहाँ, जब हम मुंबई में और बड़े शहरों में रहते हैं तो सब कुछ कॉन्क्रीट है, और ये सब कंस्ट्रक्शन देखिए, ये सब सदियों पुराना कंस्ट्रक्शन है, और चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, हर चीज़ को सहन
तरह वाला ये स्ट्रक्चर है। और ये आ गए हम रूफटॉप स्विमिंग पूल। और आपने देखा होगा कि मांडू सराउंडेड बाय हिल्स आल्सो, राइट? तो आई थिंक ये जगह तो बहुत ही सुंदर हो जाती होगी बारिश में। क्या बोलते हैं आप लोग, एक ट्रिप मानसून इन मांडू होना चाहिए कि नहीं? जहाज महल में आकर मिताली बिल्कुल रिफ्रेश हो गई। अब बढ़ते हैं मिताली के साथ अगले पड़ाव पर, जिसका नाम है हिंडोला महल। जी हाँ, जहांगीर ने एक जमाने में ये महल बनवाया था, जिसे हिंडोले का नाम दिया गया है। देखते हैं हिंडोला महल को और गेस करते हैं कि रानी रूपवती झूले कहाँ झूलती थी। तो अब मैं आपको यहाँ का नेक्स्ट महल दिखा रही हूँ। इस महल की खास बात ये है कि यहाँ पे रानी रूपमती झूला झूला करती थी। हाँ बोलिए कि रानी के झूला झूलने के लिए भी एक महल। वाह, लाइफ दे लिव्ड। पर वैसे ये भी कहा जाता है कि ये महल ओरिजिनली मंदिर हुआ करता था और फिर इन्वेडर्स ने यहाँ की जो मूर्तियाँ थी उनको कवर करने के लिए इस तरीके की स्लांटिंग वॉल्स बनाई हैं और इसी वजह से इस महल का नाम पड़ा है हिंडोला महल। वैसे हिंडोला महल के अंदर एक बड़ा सा कुआं है और ढेर सारी ऐसी जगह जो बिल्कुल आपको भूल भुलैया का एहसास देती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस बावड़ी का जो पानी, बावड़ी मतलब कुआं होता है, उसका जो पानी वो चंपक के फूलों की जैसी उस पानी से खुशबू आती है। पानी तो इसमें अभी भी है, बस आई थिंक इस पानी को थोड़ा सा साफ करने की ज़रूरत है। आई एम श्योर हमारी अथॉरिटीज़ इस पे काम ज़रूर कर रही हैं और जैसे जैसे लोग यहाँ आएंगे इस जगह को और फेमस करेंगे, आई एम श्योर कि जल्दी ये पानी डुबकी मारने लायक क्लीन हो जाएगा। वैसे इसी जगह पर वो मशहूर गाना नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, फिल्म किनारा का हेमा मालिनी और जितेंद्र का गाना फिल्माया गया था और वो गाना आज यहाँ पर मिताली ने रिक्रिएट किया। भुलैया जैसा है रे भाई, लेकिन जो भी है बहुत सुंदर है। और यहाँ देखिए मेरी आवाज ही दरिया। लोगों को पता है मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ, क्योंकि किनारा फिल्म का ये गाना इसी महल में फिल्माया गया। कितनी खूबसूरत बात है और कितना खूबसूरत ये महल है। और आप लोगों को पता है कि सिर्फ किनारा फिल्म नहीं बल्कि और भी इतनी सारी बॉलीवुड फिल्मों की यहाँ पे शूटिंग हुई है, जैसे कि पैडमैन, कठपुतली और दबंग की भी शूटिंग यहाँ पे हुई है। पूरा दिन बीत गया मांडू घूमने में और इसके बाद मिताली ने खाया यहाँ का मशहूर लंच जो है दाल बाफले। ये मक्की के आटे का बनता है, कौन सा? हाँ, मक्की का जो आटा होता है। और ये दाल है, खट्टी मीठी दाल। ये खट्टी मीठी दाल है, तूर की दाल, अरहर की। अक्षत का फेवरेट है। तो ये अरहर की खट्टी मीठी दाल है, इसको इसमें मिक्स किया जाएगा। और ये सब्जी कौन सी है? ये आलू की सब्जी।
आलू की, वाह आलू इज माई फेवरेट, मीट्स आलू। तो चलिए पहले तो हम यहाँ की स्पेशलिटी पानिया विद खट्टी मीठी अरहर की दाल खा के देखते हैं। अरहर की खट्टी मीठी दाल के साथ खा के देखते हैं। इसके साथ ही दिन ढल गया और अगले दिन की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग की शुरुआत हुई बलून राइड पर निकलने के लिए। आज का प्लान तो मुझे बड़ा मजेदार नजर आ रहा है, इतने बड़े बड़े बलून भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं मुझे। एंड आई एम सो एक्साइटेड, मैं फ्लाई करने वाली हूँ, राइड मैं पहली बार ले रही हूँ। एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड आई एम सो हैप्पी एक्चुअली कि जो पहली राइड मैं ले रही हूँ अपने ही देश में ले रही हूँ, स्पेशली यहाँ मांडू आके। भाई बलून राइड पर जाने के लिए देखिए मिताली कितनी एक्साइटेड है और वो पहुंची इस गुब्बारे पर मांडू को ऊपर से देखने। ओह गाइस वाओ आई एम सो एक्साइटेड, गुड मॉर्निंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, बाहर ठंड है और यहाँ हॉट बलून के एकदम गरम गरम। विदेशों की तरह भारत में भी बलून राइड बड़ी अच्छी होती है और देखिए ई फैक्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म से आयोजित मांडू फेस्टिवल में ये बलून फेस्टिवल कैसे आपको एक अलग ही एहसास देता है। और देखिए मिताली कैसे हवा में चिड़िया की तरह उड़ पड़ी, बलून से ऊपर पूरा मांडू शहर 360 डिग्री दिखाई देता है और इसी के साथ जब सूरज उगता है तो यहाँ का समा ही बदल जाता है, जो मिताली ने यहाँ पर सास बहू और बेटिया के साथ मांडू फेस्टिवल में महसूस किया। लाइफ में कभी ऐसा हो भी सकता था कि मैं बर्ड के ऊपर फ्लाई करी। जैसे सन को उगते हुए देखते हो तो ऐसे देखते हैं और आज मैं पहली बार सन को उगते हुए ऐसे अपने लेवल पे देख रही हूँ। वाव बहुत ही मज़ेदार फीलिंग है। इतनी सारी अच्छी अच्छी एडवेंचरस एक्टिविटीज है, को यहाँ पे आपका जिस तरीके का नेचर है, अगर आपको शांत रहना अच्छा लगता है या फिर सनसेट आप वहाँ टेंसिटी में गजीबो बना हुआ है वहाँ बैठ के यू कैन एंजॉय द सनसेट। बाय 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 बाय। देखो यार नीचे पूरे एक डेढ़ घंटे की उड़ान के बाद फाइनली कुबारा लैंड किया इस गांव में और ये लैंडिंग का अनुभव भी बहुत खास था। तो इतने ऊपर होते हैं बहुत ऊपर होते हैं जब ऊपर जाते हैं तो माय गॉड, बहुत ही एक्साइटिंग एडवेंचरस एक्चुअली थेरेप्यूटिक, मैं इतने सारे वर्ड्स यूज कर सकती हूँ मेरा ये हॉट एयर बलून का एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करने के लिए। एक टाइम के बाद जब ऊपर हम जाते हैं ना तो माइंड वो एकदम ऐसे जेन मोड में चला जाता है जहाँ पे आपको सब कुछ इतना सुंदर दिख रहा है और इतना क्वाइट और शांत, बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। जब लैंडिंग कर रहे थे तब अगेन थोड़ा सा था धक धक, बट पायलट ने इतनी अच्छी हमारी लैंडिंग करवाई एकदम स्मूथ कुछ या तो आई थिंक आई कैन जस्ट आस्क हिम कि हम एज इनके पैसेंजर्स कैसे थे।
Hi, thank you so much. I hope you enjoyed the flight. Of course, we loved it, and thank you so much, most importantly, for such a smooth landing. Yeah, yes, that was so amazing. और हर थोड़ी थोड़े समय पे पायलट हमें बताते जा रहे थे कि हम कितने हाइट पे हैं, कितने हाइट पे हैं. ऊपर भी it was beautiful. I think इनका जो जजमेंट होता है, I think it's all about the judgment. Yeah, yeah, we have gone up to 3,700 in one time. And we have to cross the particular the hills to bring down. The wind, we come down, the wind is changing. So we have to look for a landing place, nice place, because all crops are there, so that we keep looking with the places that the thing is, we cannot land on the crop. राइट एब्सोल्युटली राइट. देखिए मतलब वो ये भी ध्यान रखना होता है उन्हें कि इतने सारे खेत हैं, खेत में क्रॉप्स होते हैं, तो वो क्रॉप्स को कुछ नुकसान ना हो, वो सब देख के, क्योंकि ये तो हमारा इन्जॉयमेंट है यार, वो किसी और का हम नुकसान क्यों करेंगे. पायलट यू डिड अ रियली रियली अमेजिंग जॉब. तो आप बताइए आप कितने टाइम से कर रहे हैं? ओह मैं आई एम डूइंग फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 30 इयर्स. 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तभी हर चीज़ उन्होंने इतने स्मूथली और इतने professional tarike se ki. Wow, I'm so excited. This is my first experience actually. Wow. Tell me, how was I as all the passengers, they are very patient, they are very nice. So I hope you enjoy that flying over the hills, over the valley. And this is about balloon. Normally we fly low, you enjoy more. See all the villagers, see everybody is happy. Yes, सारे villagers ने भी ये सब पहली बार ये लोग देख रहे हैं कि इतना बड़ा कोई बलून जैसी कोई चीज जो शायद आज तक इन्होंने फिल्मों में या टीवी पे देखी होगी, वो इन लोगों के लिए एक रियल इनके सामने आ गया है. बट मैंने इन लोगों से ये बोला है कि नेक्स्ट ईयर मांडू फेस्टिवल में ये लोग ज़रूर आए, क्योंकि ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस हमें मिल रहे हैं मांडू फेस्टिवल में. यही इसके बाद मिताली अपने टेंट में पहुंची और वहां पर फुर्सत के कुछ पल बिताए और साथ साथ अपना अनोखा प्रीमियम टेंट भी घुमाया. कल मैंने आपको दूसरा टेंट दिखाया था जहाँ पे मैं रह रही थी. आज मैं आपको एक दूसरा टेंट दिखाऊंगी, विच इज मे बी लाइक अ प्रीमियम टेंट जहाँ मैं रह रही हूँ. कम ओवर, आइए. ओके, सो यू सी द डेकोर, ब्यूटीफुल इजंट इट? नाइस. सो आई थिंक द साइज ऑफ द बेड इज बिग एंड अंदर का डेकोर डिफरेंट है. नाउ आई एम टेकिंग यू टू द वॉशरूम व्हिच इज आल्सो प्रीटी बिग. यस वाओ, या डेफिनेटली देयर इज डेफिनेटली लाइक अ डिफरेंस, रिमार्केबल डिफरेंस इन द टू टेंट्स. बट बोथ आर कोजी, दोनों भी टेंट्स कोजी है, दोनों भी टेंट्स के एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छे हैं. ये देखो, ये एक शावर एरिया अलग बना हुआ है. राइट, एंड एवरीथिंग यहाँ पे पॉट हो गया, एवरीथिंग इट्स वेरी डिफरेंट. काफ़ी वुडन, यहाँ पे वुडन एलिमेंट ज़्यादा है. तो आप बताइए कौन सा टेंट देखने में आप लोगों का अच्छा लग रहा है, बिकॉज एज आई सेड रहने में तो दोनों ही एकदम बढ़िया टेंट्स है. इसके बाद पारी थी योगा करने की. जी हाँ, मांडू फेस्टिवल में हर मॉर्निंग की शुरुआत योगा से होती है, तो योगा एक्सपर्ट शाश्वत रेडी है अपने कुछ अनोखे योगा आसनों के बाद. वैसे मांडू फेस्टिवल में शाश्वत एक खास साउंड थेरेपी भी लेकर आते हैं जो योग के बाद आपको एक अलग सुकून देते हैं. नमस्कार शाश्वत जी, तो आप बताइए कि आप कब से कर रहे हैं? मुझे तो जो आधा घंटा था पिछला, बहुत ही रिजुविनेटिंग एक्सपीरियंस लगा मुझे. आप बताइए आप कब से सिखा रहे हैं योगा, या आप कब से योगा कर रहे हैं? जी शुक्रिया. मुझे योगा करते हुए बचपन से कर रहा हूँ मैं, ये बोलूँगा बचपन से. पर योगा सिर्फ आसन नहीं होता, आसन मैं पिछले एक साल से कर रहा हूँ,
उससे पहले जो आपने लास्ट में साउंड हीलिंग सेशन अटेंड किया जिसको हम योग निद्रा सेशन के नाम से प्रमोट करते हैं क्योंकि हम इसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम तिब्बतन बाउल्स जो तिब्बतन सिंगिंग बाउल्स होते हैं उसका भी यूज़ करते हैं। अभी आज के सेशन के लिए हमारे पास डिजरीडू था, अब ये ऑस्ट्रेलियन इंस्ट्रूमेंट है और जो मेरे पास है इसको पीवीसी से बनाया गया है। इस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है कि 5000 साल पुराना इंस्ट्रूमेंट है जो ऑस्ट्रेलियन ट्राइबल्स यूज़ करा करते थे, वुड का। अब ट्रैवल फ्रेंडली वर्जन के लिए हमने पीवीसी से बना लिया है। उसके साथ हम अपनी हिंदुस्तानी फ्लूट यूज़ करते हैं और मोरचंग यूज़ करते हैं जो कि राजस्थान का है। सो इन इंस्ट्रूमेंट्स का फ़ायदा क्या है, जैसे डिजरीडू है, मोरचंग है, इनमें वाइब्रेशंस का बहुत इस्तेमाल होता है। तो जो डिजरीडू की वाइब्रेशंस होती हैं वो वाइब्रेशंस आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा काम करती हैं। जो बॉडी में बोला जाता है कि 60-70% वाटर होता है, उस वाटर को वाइब्रेट करके आपके जो टॉक्सिन्स हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है, इन सब चीज़ों को रिलीज़ किया जाता है। तो जो हम पूरा ये सेशन कंडक्ट करते हैं इसमें हम योगा के थ्रू, जो योगा आसना है, आसना के थ्रू हम बॉडी को एक्टिवेट करते हैं जिससे आप योग निद्रा करें, आप सोए नहीं। हाँ, या एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आज के सेशन का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे तो योग निद्रा जो का जो पोर्शन था वो ही लगा, बिकॉज ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका साउंड जो है ना वो अंदर, मतलब आई डोंट वांट टू एग्जैजरेट बट मुझे ऐसा लगा कि मेरे सोल तक पहुँच गया था। तो मुझे तो बहुत ही बहुत अच्छा लगा। देखिए मिताली ने कैसे इस साउंड थेरेपी को एंजॉय किया। इसके साथ पूरा दिन घूमने फिरने में बीत गया और अंत में रात हुई इस शॉपिंग के साथ। जी हाँ, मांडू में माहेश्वरी सिल्क, पाक प्रिंट और यहाँ की साड़ियाँ और ड्रेस मटेरियल मिलता है। वैसे इस मांडू फेस्टिवल में शॉपिंग के साथ साथ खाने पीने का भी ढेर सारा इंतजाम है। यहाँ पर ढेर सारे स्टॉल्स लगे हैं जहाँ पर आप कॉन्सर्ट्स और आर्ट एग्जीबिशंस का मजा उठाते उठाते खाना भी खा सकते हैं। तो देखें यहाँ पर खाने के लिए क्या क्या है। मैं पानी पूरी खा रही हूँ यहाँ मांडू के मांडू फेस्टिवल के मेले में। इन्होंने यहाँ पे चार अलग अलग तरीके के पानी डाले हैं। मैं पूछ रही हूँ चारों सेम है क्या? तो ये बोल रहे हैं नहीं, ये चारों अलग अलग टाइप के पानी है। खट्टा मीठा दो, एक बॉन्ड मीठा है। बीत गया अगला दिन और मांडू फेस्टिवल 2023 हुआ खत्म। मिताली ने सबको कहा अलविदा। दिस वॉज माई एक्साइटिंग टू एंड हाफ डेज एक्चुअली एट द मांडू फेस्टिवल इन मांडू। मुझे बहुत मज़ा आई। मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ GNT का, MP टूरिज़्म का, ई फैक्टर्स का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मेरी लाइफ में इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट की। मैं यहाँ से बहुत अच्छी एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी मेमोरीज़ के साथ जा रही हूँ और मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, जितने लोगों को यहाँ ला सकती हूँ या रिकमेंड कर सकती हूँ वो करूँगी, बिकॉज ये दिस प्लेस इज़ डेफिनेटली अ जेम। सो थैंक यू गाइज, सी यू। मध्य प्रदेश का ये ऐतिहासिक शहर हर साल मांडू फेस्टिवल से गुलजार हो जाता है जो लेकर आता है ई फैक्टर्स और मध्य प्रदेश टूरिज्म। मिताली इस फेस्टिवल की खास मेहमान बनी और उन्होंने यहाँ पर वो अनुभव किया जो बहुत ही कम लोगों को मिलता है। तो आप भी मांडू में आइए और खोजते खोजते खो जाइए जैसे मिताली खो गई। मांडू से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।